नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा कर रहे हैं प्रेगनेंसी के दौरान चावल खाने को लेकर। क्या प्रेगनेंसी में चावल खाया जाना चाहिए? प्रेगनेंसी में चावल खाने के क्या क्या फायदे हो सकते हैं? प्रेगनेंसी में चावल खाने के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं? इस पर चर्चा करेंगे। कौन सा चावल बिल्कुल नहीं खाना चाहिए और प्रेगनेंसी के दौरान चावल खाने में क्या क्या सावधानी रखें? चावल हमारे भोजन का एक महत्वपूर्ण अंग है, इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। तो उपरोक्त जो हमने अभी टॉपिक बताया पर हम बात करने वाले हैं, तो आपको यह वीडियो अंत तक जरूर देखना चाहिए। आपके लिए काफी जानकारी इस वीडियो के अंदर हम लेकर आए हैं, तो वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत की एक बड़ी आबादी का मुख्य स्रोत चावल है, और जहां तक एक गर्भवती स्त्री की बात है तो काफी हद तक चावल गर्भवती स्त्री के लिए सुरक्षित माना जाता है। लेकिन फिर भी हम कहना चाहेंगे कि महिला को प्रेगनेंसी के दौरान चावल कम से कम ही खाने चाहिए। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इस पर हम आगे चर्चा करें। किस स्थिति में चावल नहीं खाना चाहिए, कौन सा चावल नहीं खाना चाहिए, इस पर चर्चा करें। उससे पहले हम आपको चावल खाने के फायदे और नुकसान के बारे में बताएंगे। तो पहले बात करते हैं चावल खाने के फायदे को लेकर। अक्सर महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान यूरिन इन्फेक्शन की समस्या नजर आती है। अगर महिला चावल का सेवन करती है तो इस प्रकार की समस्या में काफी कमी देखने को मिलती है। चावल में उचित मात्रा में कैल्शियम और आयरन होता है, जिसके कारण महिला को प्रेगनेंसी के दौरान पीठ में होने वाले दर्द, जोड़ों में दर्द आदि समस्याओं में काफी राहत मिलती है। चावल के अंदर अच्छी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होता है, जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है, अर्थात महिला का शरीर ऊर्जावान बना रहता है। चावल एक अत्यधिक सुपाच्य भोज्य पदार्थ है, और प्रेगनेंसी में महिलाओं को अक्सर कब्ज की समस्या नजर आती है। ऐसे में चावल कब्ज को दूर करने की दवा के रूप में आपकी मदद कर सकता है। चावल खाने से कब्ज की समस्या दूर होती है। चावल के अंदर कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है, यह भोजन को संतुलित रखता है। चावल के अंदर एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं, जो प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने का कार्य करते हैं। इस वजह से संक्रमण में कमी आती है। चावल के अंदर सोडियम भी नामात्र का होता है, इसलिए यह रक्तचाप से ग्रस्त महिलाओं के लिए उचित खाद्य पदार्थ माना जाता है। बात करते हैं चावल खाने के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो सबसे पहले, चावल के अंदर वजन को बढ़ाने की काफी क्षमता होती है। जो महिलाएं प्रेगनेंसी के दौरान मोटापे का शिकार है, उन्हें प्रेगनेंसी में चावल नहीं खाने चाहिए। चावल के अंदर हाई ग्लाइसेमिक होता है, जो मधुमेह से ग्रसित गर्भवती महिलाओं के लिए ठीक नहीं होता है। प्रेगनेंसी के दौरान क्रेविंग के चलते कभी कभी महिला को कच्चे चावल खाने की इच्छा होती है। वैसे देखा जाए तो कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन आजकल कीटनाशक का काफी ज्यादा चलन है, इस कारण से काफी नुकसान हो सकता है। हाल में ही एक रिसर्च के द्वारा यह सिद्ध हुआ है कि चावल का पौधा जमीन में आर्सेनिक को अच्छी मात्रा में सोखता है, जिसके कारण चावल के अंदर आर्सेनिक की मात्रा आवश्यकता से ज्यादा होती है। गर्भवती स्त्री और गर्भ शिशु के लिए काफी हानिकारक तत्व आर्सेनिक माना जाता है, इसलिए भी चावल को कम खाना बताया जाता है। यह शिशु के मस्तिष्क पर प्रभाव डाल सकता है। प्रेगनेंसी के दौरान कितना चावल खाया जाना चाहिए, इसको लेकर अभी तक किसी भी प्रकार की रिसर्च उपलब्ध नहीं है। बस इतना समझ लीजिए कि आप नॉर्मल समय में जितना चावल खाते हैं उससे कम ही चावल खाएं, या फिर अपने डॉक्टर से संबंध में सलाह करें। आपके शरीर में आने वाले लक्षणों को देखकर आपका डॉक्टर आपके लिए मात्रा निश्चित कर सकता है। प्रेगनेंसी के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि आप रखे हुए चावल बिल्कुल नहीं खाएं, अर्थात ठंडे चावल आपको खाने से परहेज करना है। साथ ही साथ आपको बासी चावल का प्रयोग भी अपने भोजन में नहीं करना है। प्रेगनेंसी के दौरान पॉलिश किया हुआ चावल बिल्कुल नहीं खाएं, यह आपके लिए नुकसानदायक है। चावल ही नहीं बल्कि दालें भी पॉलिश वाली आती हैं, आप उन्हें भी अपने भोजन में शामिल नहीं करें। तो यह थे चावल को लेकर कुछ पॉइंट्स, उसके फायदे नुकसान और कौन सा चावल नहीं खाना चाहिए। हमें उम्मीद है यह वीडियो आपके लिए काफी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, और आप अपने लिए अब चावल की मात्रा को सुनिश्चित कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम जवाब देने की कोशिश करेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक जरूर करें, इसे शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। आप बेल आइकन पर भी क्लिक जरूर करें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। धन्यवाद।